my mind. I could be alone. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Travel with Beard Baba. और मेरा नाम है हर्षित एंड मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ सीसू में. और अगर आप प्लान कर रहे हो हिमाचल आने का और अगर आप आ रहे हो मनाली की तरफ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मनाली से 40-50 किलोमीटर और ऊपर आओ अटल टनल से होते हुए और सीसू में जाकर रुको, क्योंकि सीसू एक ऐसी जगह है ना भाई. मैं पिछले 3 दिन से आ रह रहा हूँ और कसम से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है. मेरे को जाना है यहाँ से लद्दाख, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैं कहाँ रुका हूँ और कैसी प्रॉपर्टी है. और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हिमाचल आ रहे हो और किसी विलेज में आपने रुकने का सोचा है, तो भाई ऑलवेज प्रीफर होम स्टेज लाइक दिस. तो मैं आज आपको अपने होम स्टे के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं पिछले 3 दिन से मैंने क्या किया, कैसा मैं लोकल फैमिली के साथ रहा. तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अंकल का घर कैसा है और भाई आंटी के हाथ के खाना, आंटी के हाथ के पराठे और घर का निकला हुआ मक्खन बहुत बढ़िया. और जितना भी खाना था हमने खाया है सारा ऑर्गेनिक. आई मीन यहाँ पे फार्मिंग वगैरह खुद होती है, गोभी की, आलू की, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली सब इधर ही होता है. तो इनके अंकल के मैं गार्डन में दिखाऊँगा, अंकल का पूरा होम स्टे दिखाऊँगा और कितना प्राइस है ये भी बताऊँगा वीडियो के एंड में. तो भाई तब तक के लिए आप ये इस होम स्टे का सिनेमैटिक्स एंजॉय करो. Always on my mind that I could be alone. You're never far from sight as far as we go. Through the darkest night I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright no matter where you go. You're always on my mind that I could be alone. You're never far from sight as far as darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright now. Been trying to delay with the day's take. Find myself. तो गाइस अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ प्रॉपर्टी ओनर से, जिस प्रॉपर्टी में, जिस होम स्टे में मैं 3 दिन से रह रहा हूँ. सो अंकल आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जगदीश कटोच है. मैं सिसू गांव का रहने वाला हूं और ये ज़िला लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. ओके गाइस बता दूं कि मैं यहां से, मैं इस प्रॉपर्टी में 3 दिन से रह रहा हूं और ये प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत है. अंकल यहां पे फार्मिंग खुद करते हैं, ये जितनी भी सारा एरिया है सारा घर के खाने के लिए. अंकल घर पे आप क्या उगाते हैं आपके अपने घर के यार्ड में? किचन गार्डन के लिए हम थोड़ा आलू लगाते हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, मूली, शलगम वगैरह और थोड़ा राजमा, प्याज वगैरह जो किचन में यूज़ होता है हमारे यूजुअली. तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मनाली आ रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा कष्ट और करके 40-50 किलोमीटर और ऊपर आ जाएं. रास्ता टफ नहीं है, रोड बहुत अच्छा है. आपको सीधा अटल टनल से 5 किलोमीटर दूर सिसू विलेज है और इस विलेज का जो नज़ारे हैं मैं आपको एक बार 360 दिखा देता हूँ उधर का. ये जगह बहुत खूबसूरत है. और अभी मैं रुका हूँ ताशी यांगिल होम स्टे में और ये होम स्टे एकदम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने ही है. और अंकल ये खेती किस चीज़ की है? ये आलू की खेती है, ये किचन गार्डन की है. ये आलू की खेती है? जी जी. चलो भाई ये तो खड़ी मेरी बाइक और ये खड़ी है प्रवीण की बाइक और हम देखते हैं अंकल के, और पहले गार्डन देखते हैं अंकल का कि भाई अगर आप इधर आओगे तो आपको कौन कौन सी सब्जियाँ खाने को मिलेंगी. यहाँ पर साग लगा रखा है थोड़ा सा और साथ में किचन के लिए धनिया वगैरह लगा रखे हैं, घिया है और थोड़े प्याज लगा रखे हैं. इस साइड में आपके पत्ता गोभी भी है, बंद गोभी भी है और थोड़ा टेबल सर्विस के लिए हमने स्ट्रॉबेरी भी लगा रखे हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी इस बार कुछ खास नहीं हुआ है. वैसे स्ट्रॉबेरी का सीज़न कौन सा होता है? बस स्ट्रॉबेरी आजकल के ही सीज़न में तैयार होता है, मई जून में तैयार होता है. तो वाइस बता दूँ जितना भी सारा फार्मिंग एरिया है ये सारा घर के खाने के लिए है और अंकल के फार्म्स अलग हैं, अंकल का खेती अलग होता है बिल्कुल. और अंकल ये भी आपका ही है ये घर? ये पुराना मकान है, यहाँ पर हमारे पालतू मवेशी रखते हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ एक कमरा है जो पालतू मवेशियों के लिए है और दूसरा स्टोर रूम है जिसमें एग्रीकल्चर संबंधित सामान रखते हैं. चलो अब हम चलते हैं अंकल के घर के अंदर, होम स्टे के अंदर. चलिए अंकल आप हमें घर में लेके जाइए अभी. ये हमारा रिसेप्शन रूम है, यहाँ पर हम
यूजुअली रूम देने से पहले गेस्ट यहीं पर ठहरते हैं, चाय पानी करवाते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर सिटिंग प्लान है। बहुत खूबसूरत भाई, यहाँ पे एलोवेरा भी है, यूज़ भी कर सकते हो अगर आपको फेस पे भी लगाना है तो, और खाना भी है तो इससे नेचुरल एलोवेरा नहीं मिलेगा आपको। तो मैं पहले शुरुआत करूँगा अपने रूम से। मेरा रूम थोड़ा मैसी है, मैं और प्रवीण शेयर कर रहे हैं, तो बस आप ज़्यादा मत देखो इसको, अब आपको क्लीन रूम दिखाते हैं। दैट वन वाज द फर्स्ट रूम एंड दिस वन सेकंड। इन दो में दो दो बेड्स हैं एंड वी हैव अटैच टॉयलेट बाथ एंड दैट्स इट। ये अंकल का दूसरा रूम, काफ़ी स्पेशियस है गाइस। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रूम बहुत क्लासी होगा, सोफ़ा वगैरह होगा, तो एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि भाई ये एकदम होम स्टे है, ये होम स्टे है तो आपको बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आने वाली है यहाँ पे, ट्रैवल करने के बावजूद भी। ये वॉशरूम है, तो अगर आप होम स्टे फील कर रहे हो तो होम स्टे में बिल्कुल रहिए, एकदम घर वाली फीलिंग आएगी आपको। तो ये हो गया अंकल का ग्राउंड फ्लोर, अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और एक और कमरा ये भी है, एक कमरा और यहाँ पे, ये थर्ड रूम, और इसमें ये उससे भी थोड़ा स्पेशियस है, यहाँ पर तीन बेड लगे हुए हैं, थोड़ा स्पेशियस है। ओके, अगर आप तीन तीन पर्सन हो तो दो बंदे इस बेड पर आ सकते हैं, किंग साइड बेड है और एक सिंगल बेड है, एक बंदा इस पर सो सकता है। और भाई व्यू देखो यहाँ से, मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, देखो ये रूम से व्यू है। चलिए अब हम चलते हैं। अंकल कितने रूम अलाव होते हैं होम स्टे में? वैसे पहले तो तीन ही रूम रजिस्टर्ड होते थे, अब शायद गवर्नमेंट ने चार चार रूम का कर दिया। जी जी, लेकिन हमारी रजिस्ट्रेशन पहले की हो रखी है तो तीन की ही है। जी चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप सिसु या फिर जिस पर जैसे विलेज में आ रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि होम स्टे में स्टे कीजिए, क्योंकि एक तो होटल्स के ऑप्शन आपको बहुत कम मिलेंगे और अगर मिलेंगे क्लासी होटल्स तो वो एक्सपेंसिव होने वाले हैं। ये गेस्ट रूम है। ओके, यहाँ पे हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम यहाँ ठहराते हैं। ये है अंकल गेस्ट रूम। अंकल इतने सारे ट्रॉफीज किसके हैं? ये मेरे बच्चों के हैं, तीन बच्चे हैं, एक लड़की और दो लड़के, उनके प्राइजेस हैं, ट्रॉफीज हैं। ओके, ये है गेस्ट रूम। सो अंकल के जो गेस्ट आते हैं वो इसी रूम में ठहरते हैं। अंकल आप चलिए। और भाई एक चीज बता दूं आपको, ये अंकल ये वुडन फ्लोरिंग है क्या? जी जी ये वुडन फ्लोरिंग है, ये हमारे यहाँ पर अब खुद यहाँ पर जो पेड़ लगाते हैं पॉपुलर के, तो उसकी फ्लोरिंग है उस लकड़ी की। ओके, तो गाइस ये वुडन फ्लोरिंग, और बता दूं आपको वुडन फ्लोरिंग का फायदा होता है कि विंटर्स में अगर आप वुड पर बैठे हो या फिर मैट्रेस बिछा के सो सकते हो तो आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी जितने सीमेंट के फ्लोर पर लगेगी। ये विंटर्स का रूम है, यहाँ पर हम विंटर्स में रहते हैं और इधर ही हम खाना वगैरह खिलाते हैं गेस्ट को। ये विंटर का रूम, बहुत बढ़िया। और यहाँ से यहाँ पे मैं आपको रूम दिखाता हूँ, यहाँ पे गेस्ट को खाना खाते हैं। और ये है तंदूर, ये तंदूर है, इसमें आग जलाते हैं। ये मोस्टली विंटर में होता है कल, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ लस्सी के बाद हम चीज़ बनाते हैं। अच्छा। जी, फिर वो जो लोकल डिश रहता है थुपका करके। अच्छा। उसमें डालते हैं। ओके, थुपका में डालते हैं ये चीज़, बहुत बहुत उम्दा थुपका और थैंतुक जरूर ट्राई कीजिएगा होम स्टे में तो बिल्कुल। तो भाई ये है इस डाइनिंग रूम से व्यू। आपको मैं बता दूं कि मनाली जो है बहुत कमर्शियल प्लेस है, लेकिन सिसु पूरा विलेज है, इसमें छोटा सा ही विलेज है, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही विलेज होगा, लेकिन खूबसूरती, क्योंकि भाई अगर जहाँ पे लोग कम है तो वो ऑब्वियसली वो जगह खूबसूरत होने वाली है। आपको टेरेस से व्यू दिखाते हैं, टेरेस से बहुत अच्छा व्यू नजर आएगा। और ये है किचन, ये हमारी आंटी किचन, किचन में भी तंदूर है। और ये किचन मोस्टली समर्स में यूज़ होता है, अभी जिस रूम से आ रहे हैं ये रूम मैं पहले किचन सेटअप होता था विंटर्स में। आंटी क्या बना रहे हैं अभी आप? मैं चावल राजमा बना रही हूँ। आंटी चावल राजमा बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंकल ने बनाया सीटी बज गई अंकल ने बनाया अंकल ने बताया कि जो मक्खन यूज़ होता है, चीज़ यूज़ होता है, वो थैंतुक में यूज़ होता है, थुपका में। तो आंटी आज थुपका खाएंगे
तो भाई आई मीन होम स्टेज में 3 रूम ही रजिस्टर्ड है, तो केवल 3 रूम ही यहाँ पे अवेलेबल हैं और बाकी सारे डाइनिंग रूम है ये, और अंकल के गेस्ट रूम है। ओके, ये बेटे का रूम है, अंकल के 2 बेटे हैं, एक आर्मी में है और एक अंकल को हेल्प करता है होम स्टे रन चलाने में। तो ये बेटे का रूम है और अंकल की बेटी की शादी हो चुकी है, मेरे को लगता है अंकल का बेटा यूकी बजाता है बस तो बस तो फिर तो सुन के जाएंगे अविनाश भाई को। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं टेरेस पे। चलिए अंकल। ये विंटर्स में स्नो क्लियरेंस का काम आता है, छत विंटर में आप बताना स्नो पड़ता है तो क्लियरेंस का शावल। और अंकल एक चीज बताइए, सीसू का हाइट कितना है? 3,100 something meters ऑलमोस्ट 10,000 feet है सीसू का हाइट, और भाई मनाली की हाइट है 6,500-7,000 feet। तो ऑब्वियसली अगर आप इतना ऊपर आने वाले हो तो आपको बहुत अच्छी खूबसूरती देखने को मिलने वाली है। ये दिखाता हूँ मैं आपको रूफटॉप से व्यू, 360 व्यू देखो। ये अंकल रिवर कौन सी है? ये रिवर चंद्रा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है चंद्रताल लेक जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके जी, तो ये रिवर चंद्रा रिवर है और चंद्रताल से आ रही होती है। और सामने आपको एक वाटरफॉल दिख रहा होगा, ये अंकल इसका नाम क्या है वाटरफॉल का? वाटरफॉल का नाम है पलदन लामो धारा वाटरफॉल है। ये पलदन लामो हमारी देवी होती है, यहाँ पर उनका मोनेस्ट्री है तो उन्हीं के नाम से पलदन धारा करके ये। ओके गाइस, सो कल ही हम गए थे इस वाटरफॉल पे, आज डेट है 25 जून 2021, हम 24 जून को गए थे इस वाटरफॉल पे। बहुत खूबसूरत है, आपको खेतों में से होते हुए जाना पड़ता है इस वाटरफॉल के लिए, और जो इसका फ्लो है और जो वाटर प्रेशर है एकदम जैसे ही पास जाओगे तो आपके मुंह पे जो स्प्लैशेस पड़ेंगे वाटर पानी के बहुत उम्दा। और सामने देखिए स्नो क्लैड माउंटेन पलदन लामो, ये काली का रूप होता है, बौद्ध धर्म में इसको पलदन लामो कहते हैं लेकिन हिंदू उसमें रिलीजन में काली माता का रूप है। सो यहाँ पे ऊपर काली माता का टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, और बौद्ध धर्म में काली माता को क्या बोलते हैं बताएंगे अंकल? पलदन नामो। बहुत बढ़िया। तो गाइस यही था इस प्रॉपर्टी में, अगर आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी बिल्कुल आइए इस प्रॉपर्टी पे। अंकल का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अंकल को भेज झिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे भाई प्रॉपर्टी दिखा दी, प्राइस क्या है अंकल, प्राइस क्या है आपको? प्राइस हमारा 1,000 रुपये रहेगा एक रूम का, 1 नाइट का। तो भाई अगर आप 2 लोग हो तो आप आ सकते हो, और 1,000 रुपये पड़ेगा, तो आपको एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा और आप घर का खाना भी खा सकते हैं। और घर का खाना भी एक्सपेंसिव नहीं है, 120 रुपये में आपको एक मील का खाना मिल जाएगा, एक टाइम का खाना बहुत अच्छा है। मेन तो भाई ये है कि अगर आप हिमाचल आ रहे हो तो हिमाचल के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, नए रिलीजन के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें सीख सको आप, और वो क्या खाना क्या चीज़ खाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में मोस्टली लोग थैंतु थुपका मोमोस ये बहुत चलता है, और आपका हिमाचल में सिड्डू चलता है। और अंकल कौन कौन सी लोकल डिशेज होती हैं यहाँ पे? लोकल डिशेज में यहाँ पर सत्तू से बनता है एक केन करके, सत्तू से बनता है, फिर एक खीर खिचड़ी टाइप में बनता है, दाल और ये डाल के क्या कहते हैं चावल वगैरह डाल के एक खीर टाइप में बनता है, वो दूध मक्खन और ये चावल और हल्का सा आटा डाल के उसको लंग्स कहते हैं। बहुत ट्रेडिशनल डिशेज हैं यहाँ पे। और मेन तो भाई ये खासियत है कि अगर आप होम स्टेज में आओगे ना तो आपको सारी चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी। ये देख रहे हो रूफ टॉप से सारे फार्म हाउस है, सारे खेती होती है यहाँ पे, और सब लोकल लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड ही ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही खाते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, बहुत अच्छी जगह है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है travelwithbeardbaba। ठीक है गाइस, थैंक यू, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। It's better.